नमस्कार, मैं राधिका लोहिया श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक वातावरण के बारे में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। तो आर्थिक वातावरण के बारे में बात करने से पहले मैं आपको समझा दूँ आर्थिक वातावरण क्या होता है, हम क्या बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं उद्यमिता में वातावरण के बारे में। वातावरण क्या होता है? तो वातावरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्थिक वातावरण, मतलब कि हम अलग तरीके से इसको समझें तो एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाहरी। आंतरिक वातावरण में होते हैं चेंजेबल चीज़ें, जैसे कि हम अपनी संस्था के कर्मचारी ले लो, संस्था के उद्देश्य, नियम, नीतियाँ, कार्यप्रणाली, विधियाँ आदि सब आंतरिक वातावरण में आते हैं। और बाहरी वातावरण में क्या आते हैं? बाहरी वातावरण में जैसे आर्थिक वातावरण, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, तकनीकी वातावरण। तो हम इसमें सबसे पहला पॉइंट आर्थिक वातावरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्थिक वातावरण क्या होता है। तो आर्थिक वातावरण से तात्पर्य ऐसे वातावरण से है जो संस्था की कार्य कुशलता व कार्य प्रणाली को आर्थिक रूप से प्रभावित करता हो। आर्थिक वातावरण के घटक कौन कौन से होते हैं? आर्थिक रूप से प्रभावित करता हो, ये तो समझ में आ गया होगा आपका, तो वही आर्थिक वातावरण कहलाता है। अब आर्थिक वातावरण के घटक, तो सबसे पहला है आर्थिक प्रणाली, अर्थात पूंजीवादी, साम्यवादी या समाजवादी। दूसरा होता है अर्थव्यवस्था की विकास की दशा, अर्थव्यवस्था की विकास की दशा किस प्रकार है। तीसरा है अर्थचक्र की दशा, तेजी व मंदी, तो अर्थचक्र किस प्रकार से है। फिर अगला पॉइंट हम लिखेंगे मुद्रा प्रसार व मूल्य स्तर। अर्थव्यवस्था की दशा किस प्रकार है? विकास की गति, कर ढांचा, ऊर्जा के स्रोत, आर्थिक एवं श्रम नीतियाँ, जनता की आय एवं खर्च हेतु उपलब्ध राशि, तो ये सारे पॉइंट होंगे आर्थिक वातावरण के घटकों में।
तो मुद्रा प्रसार व मूल्य स्तर, अर्थव्यवस्था की दशा, विकास की गति, कर ढांचा, ऊर्जा के स्रोत क्या हैं हमारे पास, आर्थिक एवं श्रम नीतियाँ क्या हैं, जनता की आय कितनी है और खर्च हेतु उपलब्ध राशि कितनी है उनके पास, क्रय शक्ति क्या है उनकी और स्वैच्छिक क्रय हेतु उपलब्ध राशि क्या है उनके पास। तो ये सारे पॉइंट मिलकर आर्थिक वातावरण को बनाते हैं। तो इन सब का एनालिसिस करना ज़रूरी है, तभी हम आर्थिक वातावरण को समझ पाएंगे। इन सब को अगर हम समझ कर हमारे आर्थिक वातावरण से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं तो वो सटीक बैठते हैं। तो ये सारे हैं आर्थिक वातावरण के घटक। तो प्रबंधकों को इन घटकों की स्थिति एवं इनमें होने वाले परिवर्तनों को ध्यान रखते हुए निर्णय लेने चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स मैंने दिखाए हैं इन सब के आप नोट्स बना लीजिएगा और इनको कॉपी में उतार लीजिएगा। ये सारे नोट्स एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सब को आप रिवाइज़ भी करते रहिए, पढ़ते रहिए बार बार।